नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे अक्सर इस देश का दिल कहा जाता है, चांदनी चौक की रोशन गलियां, अपनी खूबसूरती खुद में समेटे दिल्ली की मीना बाजार, इंडिया गेट, जो दिल्ली में आने वाले हर शख्स का अपनी ऊंची इमारत ताने तहे दिल से स्वागत करता है, देश की अखंडता एकता का पैगाम देता लाल किला, राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, जंतर मंदिर से लेकर लोटस टेंपल तक, ये सभी इमारतें दिल्ली की खूबसूरती की तस्वीर बयान करती हैं। लेकिन देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली आज सहमी हुई है। सन्नाटे की गहरी छांव, इन गलियों में खामोशी के पसरे पांव, ये शहर बमों से झुलसे हुए हैं, ये खाली रास्ते सहमे हुए हैं, ये सारा समा आज मातम में है, ये जलते घर दिल्ली का दर्द बयां कर रहे हैं। यकीन नहीं होता ना कि ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, पर यह हकीकत है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है जैसे अभी कोई युद्ध छिड़ा हो और उस युद्ध से तबाही के बाद का ये मंजर बन गया हो। वैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उपद्रवियों द्वारा मचाई गई हिंसा ने अपने पीछे तस्वीरें युद्ध की तबाही वाली छोड़ी है। जर्जर और टूटे पड़े मकान, जलती हुई गाड़ियां, हिंसा के सामान से भरी पड़ी गलियां, जहां कभी ट्रैफिक जाम लगा करता था, आज वही रास्ते दिल्ली के दर्द को समेटे मौन पड़े हैं। दिल्ली सहमी हुई है। इस हिंसा में किसी का घर टूटा, किसी की जान गई, किसी की जमा पूंजी तहस नहस हो गई, तो कई लोग बेघर हो गए। दिल्ली में आज मातम छाया हुआ है। वो रोते बिलखते चेहरे सारा दर्द बयां कर रहे हैं, और इनके इन आंसुओं के जिम्मेदार हम में से ही कुछ लोग हैं, जो नफरत की आग के बलबूते हिंसा का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस हिंसा से आखिर मिला क्या? क्या विरोध का केवल एक ही रास्ता बच गया था, वो भी हिंसा? आखिर दिल्ली की ऐसी तस्वीर का जिम्मेदार कौन है? इस हिंसा में अब तक 42 लोगों की जान चली गई है, 200 से ज्यादा लोग अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना पिता, और तो और वो मासूम से बच्चे भी इस हिंसा की आग में झुलसे, जिनको शायद मालूम ही नहीं कि आखिर ये हिंसा भड़की क्यों। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली को हिंसा की आग में जलाने की साजिश सोची समझी थी? कुछ महीने पहले ही दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध होता है, और फिर कुछ महीने बाद अब दिल्ली में ऐसी हिंसा भड़की कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। पूरे 3 दिन तक उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की आग में जलती रही। क्या दिल्ली की हिंसा की आग सोची समझी थी, इस पर एसआईटी की टीम भी जांच में जुट गई है। लेकिन फिलहाल जो सबूत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि दिल्ली को जलाने की तारीख और वक्त पहले ही तय था। पहला सबूत, सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में जितने भी जगह हिंसा हुई उनका समय एक ही था, वो भी दोपहर 2 बजे के करीब, यानी कि तारीख एक और समय भी। दूसरा सबूत है, अगर दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो हिंसा से पहले अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। हर व्हाट्सएप ग्रुप पर 30 से 40 लोग जोड़े गए। ग्रुप में हिंसा भड़काने के लिए वायरल वीडियो और मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए। यहाँ तक कि ये भी आरोप है कि हिंसा भड़काने वाले लोग बाहर से बुलाए गए, जो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी थे। हिंसा वाले इलाके में जगह जगह घरों के ऊपर छतों में गुलेल लगाई थी, वो भी ऐसी जगहों पर जिससे जब हिंसा भड़के तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों पर निशाना साध सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये गुलेल कुछ स्कूलों की छतों पर भी दिखी, जहां बच्चों की बैठने वाली कुर्सियों से इनको बनाया गया था। ये सब साफ दिखता है कि दिल्ली हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। चौथा सबूत, जब आप दिल्ली की सड़कों को देखेंगे तो अब आपको वहां केवल पत्थर और ईंटें ही नजर आएंगे। दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में सड़कें पत्थरों से भरी हुई हैं। इन पत्थरों को जरा गौर से देखिए, ये इतने धारदार और नुकीले हैं कि किसी को अगर लगे तो जख्मी कर सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि ये नुकीले पत्थर बाहर से मंगवाए गए हैं। इसी के साथ लोगों के घरों की छत पर भी पत्थर इकट्ठा करके रखे गए हैं, ताकि हिंसा के वक्त उनका इस्तेमाल हो सके। यही हाल आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर की छत का था, जहां से हिंसा का सामान बरामद हुआ है। पांचवा है पेट्रोल बम। आपने ध्यान दिया होगा कि खाली बोतलों का इस्तेमाल कर इन पेट्रोल बम को तैयार किया गया है, जो ये साफ दिखाता है कि हिंसा भड़काने की तैयारी पहले से ही चल रही थी, जिसके लिए हिंसा का सामान तैयार किया जा रहा था। ये उजड़ी बस्ती अब तक 42 लाशें देख चुकी हैं, पर सितम देखिए कि खुद इन बस्तियों ने अभी तक एक भी जनाजा या अर्थी उठते नहीं देखा। देखे भी तो कैसे, मरने वाले भी इसी बस्ती के थे और मारने वाले भी।
इस पूरे इलाके में इंसान ही बसते थे, हमारे और आप जैसे इंसान, नौकरी पेशा मजदूर और कारोबारी। मगर दंगे की भेंट चढ़ी 42 लोगों की लाशें अब तक अचानक ही सवाल पूछ रही हैं कि दिल्ली के इस इलाके में अचानक इतने सारे हथियार आए कहां से, कौन लाया, कैसे लाया, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। इस बेहद गंभीर सवाल को समझने के लिए दंगे में मारे गए लोगों और उनके मरने की वजह को समझना जरूरी है। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।